जयपुर हेरिटेज डिप्टी मेयर को लेकर कांग्रेस में राड पड़ गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। सीनियर पार्षद उमर दराज नाराज हो गए हैं, इसी का डर था, अब चूंकि खबर भी सामने आ गई है। जयपुर हेरिटेज डिप्टी मेयर को लेकर कांग्रेस में राड पड़ी है, सीनियर पार्षद उमर दराज नाराज हो गए। मीडिया से बातचीत में उमर दराज बोले, पार्टी ने कही कि सीनियर को डिप्टी मेयर बनाने की बात। पार्षद उमर दराज ने विधायक पर आरोप भी लगाए हैं, विधायक ने मुझे नहीं बनने दिया डिप्टी मेयर, ये साफ तौर से आरोप है। सीनियर पार्षद कहे जाते उमर दराज, इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि पहले तो वादा किया था, मुझे कहा था कि उनको ही बनाया जाएगा डिप्टी मेयर, चूंकि अब हुआ नहीं ऐसा, जिसकी वजह से वो नाराजगी भरे लहजे में कह रहे हैं और आरोप भी कहीं ना कहीं विधायक पर लगा रहे हैं। सीनियर पार्षद है उमर दराज जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं डिप्टी मेयर को लेकर, दावेदारी उनकी भी थी लेकिन आखिरी में नाम दूसरा फाइनल किया गया, जिसके बाद से नाराजगी उनकी साफ तौर से बाहर आ गई है। भाई पार्टी की गाइडलाइन यही थी, पार्टी ने ये कहा था कि मेयर अगर मनीष गुर्जर को बनाया तो डिप्टी मेयर माइनॉरिटी का बनाया, और माइनॉरिटी के डिप्टी मेयर के हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन ये दिया था कि जो सीनियर होगा सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। ठीक है, सीनियरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर मैं था, चार बार का जीता हुआ था, असलम फारूकी दो बार निर्दलीय है, तीन एक बार कांग्रेस से पहली बार जीते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस का आलाकमान का फैसला है, जो फैसला है उनका सर माथे पे, उन्होंने उसको बना दिया, उसको लायक समझा, कोई दिक्कत नहीं। गाइडलाइन की कोई प्रावधान नहीं हुआ इसके अंदर, उसमें किसी हद तक मेरे विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर के जो विधायक है रफीक खान, उनका भी आते मेरे को डिप्टी मेयर नहीं बनाने में, उनकी नाराजगी थी मेरे।